मैंने अपने लास्ट एपिसोड में प्रॉमिस किया था कि मैं अपना होम जिम सेटअप एक्सटेंड करूंगा अगर मैं 150 केजी के दो रैप डेडलिफ्ट के क्लियर करता हूं। तो अगर आपने मेरा 150 केजी डेडलिफ्ट का वीडियो नहीं देखा, मेक श्योर पहले आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। तो अपना चैलेंज जो मैंने एक्सेप्ट किया था मैंने क्लियर किया। अभी कुछ सामान जो मैंने अपने होम जिम सेटअप के लिए ऑर्डर किया है वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो अभी मेरा करंट गोल बल्किंग है, तो जो बल्किंग के अकॉर्डिंग मुझे जो चीजों की रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो कुछ छोटी चीजें हैं चाहे बड़ी चीजें हैं, वो अभी के लिए मैंने ऑर्डर किए हैं एक साथ, तो वो चीजें आ चुकी हैं। एंड एक से दो चीजें अभी भी पेंडिंग है, ऑन द वे है। जब वो डिलीवर होगी तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूं क्या वो चीजें हैं जो मैंने अपने होम जिम सेटअप को एक्सटेंड करने के लिए ऑर्डर की है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने ऑर्डर की है वो है ये रिकवरी गन। कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है इसके लिए, मैं ब्रांड का नाम डिस्क्लोजर नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर आप इसके बेनिफिट्स देखने के बाद बाय करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स हैं, पहले इसे ऑन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड कोई भी एक टूल, इसमें तकरीबन 1, 2, 3, 4, 6 तरह के टूल्स हैं। इसको मैं फिट करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये चलती कैसे है। यहाँ से मैंने इसे ऑन किया तो बेसिकली ये हमें वाइब्रेशन प्लस मसाज के लिए हेल्प करती है। तो जब हम बल्की करते हैं, हम हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, तो हमें पोस्ट रिकवरी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप लेग डे के बाद, हैवी ट्रेनिंग के बाद सोरनेस को कम करना चाहते हैं तो ये वाइब्रेटर गन बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये जब आप ट्रेनिंग के बाद अपने मसल को टोर करते हैं, अपने फाइबर को टोर करते हैं, उसके बाद जब आप इस गन को लगाते हैं तो ये जल्दी से ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसे बढ़ा देता है, जिससे रिकवरी जल्दी होती है एंड मसल मास गेन करता है। अब गाइस ध्यान रखिए, सिर्फ ये गन ही आपकी बल्किंग के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी, आपको न्यूट्रिशन भी साथ में ध्यान में रखना है, वेट लिफ्टिंग जो करनी है हैवी करनी है, लेकिन ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपकी रिकवरी को इन्हांस करते हैं। जब रिकवरी जल्दी होगी तो आप ज्यादा से ज्यादा मसल को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये पहली चीज जो मैंने ऑर्डर की थी। तो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने ऑर्डर किया है अमेजन से, वो है बॉक्सिंग ग्लव्स। एंड इसके साथ इनर्स भी हैं, ताकि अगर आप स्वेट आउट करते हैं ड्यूरिंग बॉक्सिंग तो ये इनर्स हेल्प करते हैं स्वेट को स्टोर करने के लिए। एंड ये पैड्स हैं, बॉक्सिंग पैड्स, लेकिन मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब हम बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं हम ब्रीथ को इनहेल एक्सहेल करते हैं, उससे हमारी ब्रीदिंग अच्छी होती है एंड हमारा स्टेमिना, हमारी कोर अच्छी होती है। तो जितनी अच्छी आपकी कोर रहेगी ड्यूरिंग बल्किंग, हम कोर ट्रेनिंग के साथ अगर बॉक्सिंग को ऐड कर रहे हैं एंड अगर थोड़ी प्रैक्टिस करके बॉक्सिंग सीखते हैं तो हमारी कोर की स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है, उससे हमारी लिफ्टिंग की पावर भी एनहांस होती है। तो ये मेरा फंडा है जिसकी वजह से मैं ये बॉक्सिंग ग्लव एंड पैड ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है वो है वेट लिफ्टिंग बेल्ट। मेरे जिम में, होम जिम में ऑलरेडी 5 से 6 तरह की बेल्ट है, कोई यूएसए की है, कोई लेदर बेल्ट है, कोई फोम बेल्ट है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक बेल्ट जिसमें थोड़ी कुशनिंग है, ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारी लोअर बैक को टाइटनिंग करने के लिए। तो ज्यादा हैवी लिफ्ट करते हैं, डेड लिफ्ट कर रहे हैं, स्क्वाट्स कर रहे हैं, तो ये बेल्ट बहुत ही अच्छी हेल्प करती है हमारी लोअर बैक को सपोर्ट करने के लिए। एंड फोर्थ जो मैंने ऑर्डर किया है ये वेट स्केल है। वैसे तो आम नॉर्मल वेट स्केल हम यूज करते हैं जो 700-800 रुपए का आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि इसमें हम हमारा BCA भी ट्रैक कर सकते हैं, हमारी बॉडी में कितना फैट परसेंटेज है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक एक ऐप है। अगर आप iOS यूजर हैं चाहे एंड्रॉयड यूजर हैं तो आप ये वेट स्केल की ऐप डाउनलोड करके इसे कर सकते हैं। तो हम पहले चेक करते हैं मेरा करंटली बल्किंग में वेट क्या है। तो ये बहुत ही अच्छा एक ट्रैक करने के लिए, हमारा विस्करल फैट, हमारा बॉडी फैट, हमारा पूरा बॉडी मास ये ट्रैक करता है यूजिंग दैट स्पेसिफिक ऐप। तो सबसे पहले मेरा बॉडी वेट चेक करते हैं इस न्यू वेट स्केल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बॉडी वेट शो कर रहा है 92.40। सो यहाँ पे तकरीबन मैं 1.5 केजी लेस कर देता हूँ तो मेरा बॉडी वेट है 91 केजीज, क्योंकि एक मील दलिया मैंने सुबह ली है प्री वर्कआउट मील। तो एक नेक्स्ट चीज जो मैंने ऐड की है, मेरे होम जिम सेटअप में 25 केजीज तक की डंबल थी, 2.5 से लेके 25 केजी तक के सभी पेयर थे। तो अभी जो मैंने डंबल ऑर्डर किए हैं वो आप देख सकते हैं 30 केजीज का पेयर मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि अब मेरी डाइट है वो ज्यादा है, कैलोरीज और कार्ब ज्यादा है, तो मेरी जो लिफ्टिंग की स्ट्रेंथ है बढ़ चुकी है। तो 25 क्योंकि आराम से मैं 20 रैप लगा रहा था, तो अभी 30 केजीज ऐड किया है। एंड 150 केजीज की टोटल प्लेट्स मेरे जिम में थी, होम जिम में। एंड मैंने 10 केजी का एक पेयर ऑर्डर किया है एंड 5 केजी का एक पेयर ऑर्डर किया है, लेकिन वो अभी मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी वो डिलीवर नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सभी सामान है कहाँ से ऑर्डर किया है, वो जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आप इजीली घर बैठे अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं।
एंड इसके अलावा गाइस कुछ चीजें जो मैंने अभी जिम कॉस्ट्यूम्स एड ऑन कर रहा हूँ अपनी, क्योंकि अभी सर्दियां हैं एंड थोड़ी सी बॉडी को कवर करके अपर वेयर करके ट्रेन करने में ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं आपकी बॉडी एकदम गर्म हो जाती है एंड हवा जो है सर्दी की हवा अगर आपको लग जाए, गर्म सर्द हो जाओगे तो जो भी ड्यूरिंग बल्किंग आप इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सारी खराब हो जाएगी अगर आपको सर्दी लग जाती है। तो मेक श्योर आप भी अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी बॉडी को अच्छे से कवर करके अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करें। तो हमारा आज का वीडियो यही था जिसमें मैंने आपको दिखा दिया है क्या मैंने अपने होम जिम सेटअप में एक्सटेंड किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, चैनल सब्सक्राइब करके रखें।